दोस्तों ये एक चीज खा लो, कोरोना वायरस आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि ये एक चीज खाने से कोरोना वायरस आपके पास में नहीं फटकेगा और जिसके कारण आपने इस वीडियो को क्लिक किया, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले बता दूं, किसी भी बीमारी को खत्म करने से पहले आपको उसे जानना होगा आखिर वो बीमारी है क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है चाइना से। अब इसका कारण क्या रहा है, चमगादड़ का सूप या उनका कुछ भी नॉनवेज खाना, या फिर क्या ये एक जैविक हथियार था, इस बारे में ना बात करते हुए हम इसके इलाज की तरफ बढ़ेंगे और इसके सिम्टम्स को सबसे पहले जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ कोरोना वायरस की जागरूकता फैल रही है और अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में, तो इसके सिम्टम्स काफी नॉर्मल है, जैसे कि गले में दर्द होना, जुकाम, खांसी, जो एक नॉर्मल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार के कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं जिनसे हम इसे अच्छे से नहीं पहचान सकते, पर अगर किसी को भी इस प्रकार के सिम्टम्स हैं तो उसे अपनी जांच जरूर करवानी चाहिए, कहीं उसके शरीर में कोरोना वायरस एक्टिव तो नहीं हो गया है। पूरी वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में आपको कोई भी ऐसा इलाज नहीं बताने जा रहा जो आपको और आपकी जान को खतरा बना सके। हाँ, पर ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको कोरोना वायरस होने से बचा सकता है। और आप तो जानते ही हैं, आयुर्वेद से लेकर हर पद्धति में यही कहा जाता है कि किसी बीमारी के इलाज से ज्यादा बेहतर है कि आप उससे बचाव करें। अगर आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मेरी बताई हुई बातों पर थोड़ा सा भी गौर करेंगे, तो आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से जरूर बच सकते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि आपके शरीर में अगर कोई भी वायरस आता है तो वो आता है आपकी इम्यूनिटी के कारण। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है तो आपके शरीर में कोई भी वायरस प्रवेश कर सकता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। इसके लिए आप रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें, रोजाना योग, व्यायाम और प्राणायाम जरूर इस्तेमाल करें और अपने मन में किसी भी प्रकार का कोरोना वायरस का डर पैदा ना होने दें। कोरोना वायरस के फैलने के कारण इंसानों के जानवरों के संपर्क में आने से, खांसने से, छींकने से या हाथ मिलाने से, वैसे कोरोना वायरस के साधारण कुछ बचाव भी हैं। इस वायरस का आकार 400 से 500 माइक्रोन होता है, तो कोई भी पतले से पतला मास्क इसे रोक सकता है, इसलिए ज्यादा कीमत का मास्क लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई पतला सा मास्क यूज करके भी कोरोना वायरस से बच सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, कोरोना वायरस हवा में नहीं रहता, यह किसी वस्तु पर या किसी जीव पर ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसलिए यह हवा से नहीं फैलता। और अगर बात करें तो किस प्रकार की चीज पर कितनी देर तक रह सकता है, यह वायरस धातु पर पड़ा हो तो 12 घंटों तक ही जीवित रहता है। किसी ऐसी संक्रमित धातु को छूने के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोएं। कपड़ों पर यह वायरस 9 घंटों तक रहता है। कपड़ों को अच्छी तरह साबुन से धोएं और धूप में सुखाकर अच्छे से प्रेस करके आप इस वायरस को कपड़ों में से भी खत्म कर सकते हैं। हाथों पर यह वायरस 10 मिनट तक रहता है, इसलिए अल्कोहल सैनिटाइजर को लगाकर आप इससे बचाव कर सकते हैं। आप इस सैनिटाइजर को जेब में रखने की आदत डालें ताकि आप किसी भी चीज को छूने के बाद या कोई भी चीज खाने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकें। यह वायरस 26 से 27 डिग्री तापमान आने पर मर जाता है, इसलिए गर्म पानी पिएं और सूरज की धूप लें। आइसक्रीम और ठंडे पदार्थ खाने से परहेज करें। आप जो भी चीज खाएं वो गरम गरम खाएं। गरम नमक के पानी से गरारे करें, यह वायरस को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकता है। आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कम से कम जाएं ताकि आपके संपर्क में कोई भी रोगी ना आ सके। अंडा व किसी भी प्रकार का मीट, मछली इत्यादि का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें इस वायरस के होने की काफी संभावना होती है। अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगता भी है तो आप इससे खुद को बीमार होने से बचाएं। जब भी सर्दी जुकाम हो और छींके आएं, तो नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से कवर करें। इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर को तुरंत बंद डस्टबिन में डालें। किसी रोगी की देखभाल के बाद हाथ धोने के लिए साबुन या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब इस्तेमाल करें।
खाना पकाने से पहले या खाना पकाने के दौरान और खाना पकाने के बाद में, खाने से पहले शौचालय जाने के बाद जब भी हाथ गंदे दिखें, आपको अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए ताकि आप कोरोना वायरस से बच सकें। वैसे ये छोटा सा फार्मूला है जिसको वुहान कहते हैं, ये कोरोना वायरस से बचने का फार्मूला है। WHAN वुहान। W मतलब वॉश हैंड, अपने हाथों को साफ रखें। यूज मास्क प्रॉपरली, मास्क का ठीक तरह इस्तेमाल करें। हैव टेम्परेचर चेक रेगुलरली, आपको अपना नियमित टेम्परेचर चेक करना चाहिए। अवॉइड लार्ज क्राउड, भीड़ में जाने से बचें। नेवर टच फेस विद अनक्लीन हैंड, गंदे हाथों से चेहरा कभी भी ना छुएं। अगर आप इस वुहान फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो भी आप कोरोना वायरस से काफी हद तक बच सकते हैं। अगर आप प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं और नॉन वेज आपसे छोड़ा नहीं जा रहा है तो एक बात का ध्यान रखें, कच्चे मांस और पकी चीजों के लिए अलग अलग चॉपिंग बोर्ड और चाकू का इस्तेमाल करें। विभिन्न कच्ची सामग्रियों से खाना पकाने के दौरान अच्छी तरह से हाथ धो लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऐसे जानवरों का मांस खाने से बचें जो बीमार थे या उनकी मौत किसी बीमारी से हुई है। अगर गलती से आपको कोरोना वायरस हो भी गया है तो आप दूसरों को, अपने परिवार को इस बीमारी से होने से बचाएं। खुलेआम में कभी भी ना थूकें। अगर आपको बुखार, सर्दी और सांस लेने में परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप हमारी बताई हुई इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं और इस लड़ाई में हमारा साथ दे सकते हैं। कौन कौन हमारा इस लड़ाई में साथ देगा उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारी इस लड़ाई में जीत हो सके और हमारा भारत देश इस बीमारी से लड़कर इसे हरा सके। जय हिंद, जय भारत।